अवामी लोगों को, अवामी नुमाइंदों को आप जिबा करके आपने गेट नंबर 4 खोल के पूरी कौम को जिल्लत और रुसवाई के सामने खड़ा है। हम इस निज़ाम को नहीं मानते। चाइना गया, चाइना से वो फिर रूस गया, रूस जाने के बाद आपने उसका गला दबा दिया कि उसको हटा दिया, मैसेज दिया कि दुनिया पे मुसलमानों पे अमेरिका का डंडा बरकरार है। मैं पाकिस्तान की इज्जत के लिए, इसकी इस मुल्क की बका के लिए मैं बोलूँगा, चाहे वो कोई जनरल हो फौजी, चाहे वो अदलिया का चीफ जस्टिस हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, ये हमारे ऊपर ईमानी जिम्मेदारी है, अल्लाह का हुक्म है कि आप सच्ची बात को जो है ना आप ना छुपाओ। तो ये मैं ज़रूर बात करूँगा। अब कौम समझ चुकी है कि खेल क्या खेला जा रहा है। अब इसका कोई जवाब देने को तैयार है? जब आप काल उनको चोर डाकू कह रहे थे, आज उनकी वजातें कर रहे हो। वही जस्टिस जो आज माशाल्लाह हमारे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब कल इन्हीं बेंचों में इनको सजाएं दे रहे थे, इन्हीं को मुजरिम डिक्लेयर कर रहे थे, इन्हीं के ऊपर हुक्म चल रहे थे, आज वही चीफ जस्टिस रात को बैठते हैं और इनको पाक करके, क्लियर करके और सारा कुछ करके कहते हैं जी साफ है। अब ये चीज़ नहीं चलेगी। आप GHQ से दोस्ती है तो आप आ सकते हो, वरना यहाँ आपकी जो अवामी खिदमात है वो नहीं हो सकती। ये लोग अब आम आदमी भी, हमें चरावा भी कहता है, मैं कभी, हम तो यार आम गरीब लोग हैं, हम तो गरीबों के जूते उठा सकते हैं, हम किसी जनरल के जूते नहीं उठा सकते। वो बड़े जूते हैं, वो बड़े लोग जूते उठा सकते हैं, जमशेद दस्ती क्या कर सकता है। आज आपने सियासत को तबाह करके रख दिया, आज वो पीपल्स पार्टी, वो भुट्टू का नजरिया था, आज आसिफ जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटा हुआ है। आपने एक दरवाज़ा खोला है और सियासतदानों को आप कुत्ते की तरह खैरात डालते हो और वो इर्द गिर्द यहाँ फिर रहे हैं, अवाम मर रही है, लोग जलील हैं, इस्लामाबाद में तमाशा लगा हुआ है। आपने ना रमज़ान शरीफ का को तकद्दस का ख्याल किया, ना आपको आपकी इज्जत है, आप एक इक्तदार के हवस के पुजारी हैं, आप एक फिरौनियत में बैठ के आप पूरे निज़ाम को तहस तहस कर दो, उठा दो, मार दो, जो कुछ कर दो, कोई आपके सामने बात नहीं कर। हम बोलेंगे, हम ज़रूर बोलेंगे, हम ना किसी जनरल के से डरते हैं, ना मैं किसी सुप्रीम कोर्ट से डरता हूं, मैं अल्लाह की जात से डरता हूं। ये ज़रूरत वक्त था, हम घास खा लें, भूखे हों। हमने, मैंने असेंबली में भी कहा था कि हमें अमेरिका से जान छुड़ाना पड़ेगी, ना छुड़ाई तो खुदा ना खास्ता हम तबाही की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान के जनेलों की दौलत भी यूरोप में पड़ी है, अमेरिका में पड़ी है, पाकिस्तान के जो मुनाफिक सियासतदान हैं उनकी भी पड़ी है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का भी पैसा पड़ा है, अब पाकिस्तान की जुडिशरी भी उधर देख रही है। इनको पता है मुल्क को लूटना है, लूटो फिर भाग जाएंगे। कि आपने इमरान खान को फारिग करके मैसेज दिया कि पाकिस्तान हमेशा के लिए अमरीका का पिट्ठू है, अमरीका का गुलाम है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी अमरीका की पिट्ठू है, अदलिया भी अमरीका की पिट्ठू है, और पाकिस्तान के बेकाऊ और बेशरम मुनाफिक घटिया किस्म के वो सियासतदान अमेरिका के, और आज अमेरिका की मोहर लग गई है। अब वो बंदा फारिग, जिस तरीके से आपने उसको फारिग किया, क्या नहीं मंडी नहीं लगी हुई थी? क्या वहाँ खुले आम पैसा चल रहा था? और आसिफ जरदारी तो कब से एस्टेब्लिशमेंट के नीचे था, उसने कहा कि जो कुछ कहो मैं करने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ कि ये तो फौजी हुकूमत है, जनरलों की हुकूमत है, डमी वजीर आजम है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। दुख है, नवाज शरीफ को जितने लितर पड़े, जितना उसको जलील किया गया, जेलों में डाला गया, ऐसे खैरात डाली एस्टेब्लिशमेंट ने, कुत्ते की तरह ये सारे भाग के इकट्ठे हो गए, खैरात मिल गया, अहदे मिल गए, मुल्क को लूटेंगे। इनमें कोई खैरत और जमीर होता डूब मरते, इनमें कोई ईमानी, इनको कुछ नहीं। मैं कहता हूँ पूरी कौम देखे, कौम इनको लितर मारे। पाकिस्तान का जो सियासतदान है झूठा है, फ्राडी है, मकारी है, मुनाफिक है, मदारी है, उसका कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ अपने इकतदार की हवस के लिए वो कुछ करता रहे। फिर उसके साथ साथ हमारे जो जुडिशली ये इदारे हैं, ये भी टोटल झूठ और फ्राड पे मबनी है, इन्होंने भी कोई कौम को कुछ नहीं दिया, ये सारा एक झूठा निज़ाम चल रहा है। और पाकिस्तान कौम को 75 साल से मैं कहूँगा कि इन्होंने अंधेरे में रखा है, और ना यहाँ कानून है, यहाँ ना कोई आइन है, ना कोई निज़ाम है, और ताकत के बलबोते पे पाकिस्तान चल रहा है, जो जिस वक्त चाहे जिसको उठा दे, जिसको मार दे, जिसकी हुकूमत गिरा दे, अदालतें अपनी मर्जी के फैसले दे दें, और आगे जो कमज़ोर है वो तस्लीम है, खम है, उसमें अखलाक की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात करता है तो उसको उठा लो, उसको गद्दार बना दो, उसको जेलों में डाल दो। आज पाकिस्तान में भी एक फिरौनी राज है, गुंडा राज है, और इस गुंडागर्दी के आगे किसी में अखलाक की जरूरत नहीं है। जो एक दरवाजे थे उठ के खड़े होकर कह दें हम सब ने यस करना है, हाँ जी ये करना है। आपने आसिफ जरदारी पे 7 साल जेल में रखा, दुनिया का बदनाम जमाना, दुनिया की करप्शन, दुनिया की लूटमार, दुनिया का लुटेरा सिरे मैल, वो सारी गैंग आसिफ जरदारी, इतना बड़ा लुटेरा, 7 साल का मुजरिम, 7 साल बाद रिहा होता है, वो सदर पाकिस्तान बनता है। उसके बाद फिर ये फार्मूला के नवाज शरीफ ने, वो मेमो गेट्स हों, वो डॉन लीक्स हों, मुल्क दुश्मन,
उसने मोदी के साथ दोस्ती लगाई, उसने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, उसने जिंदाल के साथ बैठ के अफगानिस्तान में स्क्रैप का सौदा किया, रास्ते में उसकी गाड़ियां बॉर्डर पे पकड़ी गईं, उनको बड़ा कुछ किया और उसके भाई के ऊपर शहबाज शरीफ, उसकी बेटी, उनके भतीजे सब कौमी मुजरिम डिक्लेयर हुए, जिन्होंने असास इदारों के कौमी राज अमेरिकन को दिए, मोदी को दिए, उनकी नवासी की शादी में उसने शिरकत की, उसको और अरबों का वो मुजरिम है। अब उसको आप पकड़ लेते हैं, अचानक वो मुजरिम, उसकी सुप्रीम कोर्ट बैठती है, सजाएं हो जाती हैं, नाहल हो जाते हैं, वो बीमार होता है, उसको माजी की तरह भगा देते हो। अब उनके पूरे वजीर मुशीर आप देखेंगे, शहबाज शरीफ जमानत पे वजीर दाखला जो राणा सनाउल्ला साहब है, इसको किसने पकड़ा? ANF ने, एंटी नार्कोटैक्स ने, इसको फौजियों ने पकड़ा, उसके ऊपर 15 किलो हिरवेन की FIR, वो जमानत पे है, वो वजीर दाखला है। ये सारे पकड़े गए, मुजरिम थे। मुजरिमों के बाद आप देखें साढ़े तीन साल बाद ये सारे मुजरिम पाक हो गए, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अचानक मुकमुका होता है, अचानक सौदेबाजी होती है, अचानक अदम इत्माद आ जाता है, और वो सारे चोर लुटेरे जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ गालियां देने वाले, कौमी राज देने वाले, पाकिस्तान को लूटने वाले, वो गैंग्स आके वो वज़ीर आज़म भी बन जाता है, शहबाज शरीफ, उसकी पूरी टीम भी आ जाती है, आप नवाज शरीफ भी पाक है। ये कौम के साथ आप मजाक छोड़ दो। मैं पाकिस्तान की इज्जत के लिए, इसकी इस मुल्क की बका के लिए मैं बोलूँगा, चाहे वो कोई जर्नल हो फौजी, चाहे वो अदलिया का चीफ जस्टिस हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, ये हमारे ऊपर ईमानी जिम्मेदारी है, अल्लाह का हुक्म है कि आप सच्ची बात को जो है ना आप ना छुपाओ। तो ये मैं ज़रूर बात करूँगा। अब कौम समझ चुकी है कि खेल क्या खेला जा रहा है, अब इसका कोई जवाब देने को तैयार है? जब आप काल उनको चोर डाकू कह रहे थे, आज उनकी वजातें कर रहे हो। वही जस्टिस जो आज माशाल्लाह हमारे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब कल इन्हीं बेंचों में इनको सजाएं दे रहे थे, इन्हीं को मुजरिम डिक्लेयर कर रहे थे, इन्हीं के ऊपर हुक्म चल रहे थे, आज वही चीफ जस्टिस रात को बैठते हैं और इनको पाक करके, क्लियर करके और सारा कुछ करके कहते हैं जी साफ है। अब ये चीज़ नहीं चलेगी। आप GHQ से दोस्ती है तो आप आ सकते हो, वरना यहाँ आपकी जो अवामी खिदमात है वो नहीं हो सकती। ये लोग अब आम आदमी भी, हमें चरावा भी कहता है, मैं कभी, हम तो यार आम गरीब लोग हैं, हम तो गरीबों के जूते उठा सकते हैं, हम किसी जनरल के जूते नहीं उठा सकते, वो बड़े जूते हैं, वो बड़े लोग जूते उठा सकते हैं, जमशेद दस्ती क्या कर सकता है? आज आपने सियासत को तबाह करके रख दिया, आज वो पीपल्स पार्टी, वो भुट्टू का नजरिया था, आज आसिफ जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटा हुआ है, आपने एक दरवाज़ा खोला है और सियासतदानों को आप कुत्ते की तरह खैरात डालते हो और वो इर्द गिर्द यहाँ फिर रहे हैं, अवाम मर रही है, लोग जलील हैं, इस्लामाबाद में तमाशा लगा हुआ है। आपने ना रमज़ान शरीफ का को तकद्दस का ख्याल किया, ना आपको आपकी इज्जत है, आप एक इक्तदार के हवस के पुजारी हैं, आप एक फिरौनियत में बैठ के आप पूरे निज़ाम को तहस तहस कर दो, उठा दो, मार दो, जो कुछ कर दो, कोई आपके सामने बात नहीं कहा। हम बोलेंगे, हम ज़रूर बोलेंगे, हम ना किसी जनरल के से डरते हैं, ना मैं किसी सुप्रीम कोर्ट से डरता हूं, मैं अल्लाह की जात से डरता हूं। हालात बड़े तंग हैं मुल्क के, पाकिस्तान एक खौफनाक खाना जंगी की हालत में आ चुका है, इनके आगे सब कुछ पड़ा है, इनके आगे अख्तियारात भी हैं, इनकी टेबल पे खाने हजारों चीज़ें हैं, सब कुछ पड़ा है, मगर इनको ज़मीनी हकायक का पता नहीं है। लोगों की आंखों में खून निकल रहा है, हर तरफ मुल्क महंगाई, बेरोजगारी, लूट मार, नाइंसाफी, हर फंस चुका है। मैं एक ज़मीन में देखो, लीडर बनते नहीं होते, लीडर पैदा होते हैं। आप जब GHQ से लीडर बना के कौम पे मुसलत करोगे तो ये तबाही करेंगे, उन्हें अवाम में क्या जाके करना है, उन्होंने तो लोगों को ज़िबा करना है, ना वर्कर क्लास बची है, ना कोई चीज़ बची है, सब कुछ आपने तहस तहस कर दिया, ज़मीनी घका है, कुछ और अवाम में देख रहा हूँ कि अवाम में जो लावा पक चुका है वो ठीक है, आपका खौफ है, आपका दबदबा है, आपका थाना है, आपसे डरते हैं, मगर इसका अंजाम खौफ ना होगा। पाकिस्तान एक खाना जंगी की हालत में, आपको पता भी नहीं है कि मुल्क के क्या हालात बन चुके हैं। आप बंद कमरों में बैठ के, फिरौनियत में बैठ के, आप सब चोरों को, लुटेरों को, करप्ट लो, हम आपसे पूछेंगे। ये सवाल मैं GHQ से भी करता हूँ कि यहाँ कल ये चोर डाकू लुटेरे बदमाश हैं तो फिर हम चोरियाँ करते हैं, हम डाके मारते हैं, हम लूटते हैं, फिर यही तरीका है कि जब सब लुटेरा डाकू मुल्क दुश्मन, मुल्क का वजीर आजम बने, मुल्क के वजीर बने, अहदे बने, तो फिर यही तरीका सही है। आप अवाम को, अवामी लोगों को, अवामी नुमाइंदों को आप ज़िबा करके आपने गेट नंबर 4 खोल के पूरी कौम को जिल्लत और रुसवाई के सामने खड़ा है। हम इस निज़ाम को नहीं मानते। जिस तरीके से आपने इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया, इससे मुझे गिला है, मुझे तकलीफ़ है। मैंने पहले भी कहा कि मैं खुद अपनी जदोजहद कर रहा हूँ। ये तरीका आपका अच्छा नहीं था। आपने उसको चाइना भेजा, सबको पता है
पूरी एस्टेब्लिशमेंट को पता है, जुडिशली को पता है, सियासतदानों, अमेरिका एक आलमी दहशत गर्द है, दुनिया का जो बेगैरत मुल्क है, बदमाश और गुंडा मुल्क है वो अमेरिका है, और सबसे पहले मुसलमानों का कातिल और दुश्मन है, लाखों करोड़ों बल्कि मुसलमानों का ये कातिल है। आप देखें इराक में जो तबाही फैली, शाम में फैली, फलस्तीन इसराइल के पीछे, इंडिया के पीछे, कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में 80-90 हज़ार लोग हमारे शहीद हो गए, आज भी हमारे जितने फौजी जवान, एफसी के जवान शहीद हो रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका है, अमेरिकी दहशतगर्द हैं, और वही अमेरिकी जो दहशतगर्द हैं इस टाइम वो अमेरिका इस पाकिस्तान की काबीना में आ गए और वो पहुँच गए यहाँ पर, और अमेरिका ये सारा कुछ वो कर रहा है। ये ज़रूरत वक्त था हम घास खा लें, भूखे हों। हमने मैंने असेंबली में भी कहा था कि हमें अमेरिका से जान छुड़ाना पड़ेगी, ना छुड़ाई तो खुदा ना खास्ता हम तबाही की तरफ जाएंगे, मगर कोई नहीं मानता। नहीं जी, जिनकी मजबूरियाँ, जिनके कारोबार हैं, जिनकी दौलत पड़ी पड़ी है, पाकिस्तान के जनेलों की दौलत भी यूरोप में पड़ी है, अमेरिका में पड़ी है, पाकिस्तान के जो मुनाफिक सियासतदान हैं उनकी भी पड़ी है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का भी पैसा पड़ा है, अब पाकिस्तान की जुडिशरी भी उधर देख रही है। इनको पता है मुल्क को लूटना है, लूटो फिर भाग जाएंगे, नजरा तो गरीबों पे आएगा, मारा तो गरीब जाएगा, इस मुल्क का हारी मारा जाएगा, मजदूर मारा जाएगा, किसान मारा जाएगा, हम तो वैसे निकल जाएंगे। ये जो 20 अरब रुपए 30 अरब रुपए डेली की करप्शन हो रही है, ये पैसा बाहर जाए किसका जाए, सबका पैसा जा रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इनका पैसा किसी ने पकड़ा, सब चोर हैं, स्मगलिंग हो रही है, अरबों रुपयों की चेक पोस्टों पर भत्तेखोरी हो रही है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो गुजारिश ये थी कि जब वो गया चाइना, गया चाइना से वो फिर रूस गया, रूस जाने के बाद आपने उसका गला दबा दिया कि उसको हटा दिया, मैसेज दिया कि दुनिया पे मुसलमानों पे अमेरिका का डंडा बरकरार है और मुल्क पे नहीं है। उसने कहा कि हम यूक्रेन की इमदाद के लिए आएंगे, 3,000 नेटो फौज भेज रही है, हम रूस को सबक सिखा देंगे, मगर अमेरिका की जुरत भी नहीं थी कि वो वहाँ जाके यूक्रेन में उनकी हेल्प करता और रूस के साथ मुकाबला करता, कोई उनकी फौजी इमदाद करता या यूरोप आता, नहीं आया, सिर्फ मुसलमानों के लिए डंडा था। जब वो बंदा आ गया, वापस आया, मुज़ाकरात हुए, काफ़ी सारी तहचीदें तय हुई, 3 घंटे उसकी मुलाकात रही, आके आपने इमरान खान को फारिग करके मैसेज दिया कि पाकिस्तान हमेशा के लिए अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का गुलाम है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी अमेरिका की पिट्ठू है, अदलिया भी अमेरिका की पिट्ठू है, और पाकिस्तान के बेकाऊ और बेशरम मुनाफिक घटिया किस्म के वो सियासतदान अमेरिका के, और आज अमेरिका की मोहर लग गई है।